हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशबू। माय चैनल नेम इज फैशनेबल गर्ल। फॉर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर स्किन शाइन क्रीम रिव्यू। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो मैं स्किन शाइन क्रीम का रिव्यू देने वाली हूँ। उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या वो क्रीम गोरा करती है या फिर उसके क्या यूजेज हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो लोग स्किन शाइन क्रीम का यूज करते हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्किन शाइन क्रीम कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। सो गाइज, एक मेडिकल क्रीम है और जैसे कि आप लोगों सभी को पता होगा कि इस ट्यूब का नाम क्या है। इस ट्यूब का नाम है स्किन शाइन क्रीम। साइड में नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है स्किन शाइन क्रीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी वेट की कि हमें कितने वेट में मिल जाती है। तो ये हमें 15 ग्राम में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एमआरपी की। इसकी एमआरपी है 145। ये आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर 145 रुपीज में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम ये किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। तो गाइज, ये कैडिला फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है। सो गाइज, इस पे लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो इसका यूज, इस क्रीम का यूज एक्सटर्नल ही करना है, इंटरनल इसका यूज नहीं करना। और सबसे मेन चीज गाइज कि आप इस वाली ट्यूब का यूज, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस वाली ट्यूब के लिए तो ही आप इस चीज का यूज करें। हम बात करेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स की कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोक्विनोन, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोक्विनोन और सेकेंड है इसमें ट्रेटिनोइन। जो थर्ड है इसमें वो है मोमेटासोन फ्यूरेट। और ये इन तीनों का काम अलग अलग है। जो है हाइड्रोक्विनोन, इसका काम है दागों को रिड्यूस करना, यानी कि जो हमारे फेस पे दाग धब्बे हो जाते हैं तो खत्म करना। सेकंड हमारा ट्रेटिनोइन, सो इसका काम भी अलग है। सो ट्रेटिनोइन का काम है एक्ने को रिड्यूस, जो हमारे फेस पे एक्ने पड़ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं तो उस चीज को ये खत्म करता है। थर्ड है इसमें मोमेटासोन फ्यूरेट। सो जो ये मोमेटासोन फ्यूरेट है, इसका काम होता है हमारे फेस पे जो इचिंग होने लग जाती है या फिर हमारे फेस पे जो रेडनेस हो जाती है, ये उस चीज को खत्म करता है। जैसे कि आप कोई क्रीम यूज करते हैं अपने फेस पे या कुछ भी लगाते हैं तो आपके फेस पे कभी कभी ऐसी ट्यूब्स लगा के ईचिंग होने लग जाती है, फेस रेड होने लग जाता है, आपके गाल आपके चिक्स वगैरह रेड होने लग जाते हैं। सो ये उस चीज़ को रिड्यूस कर गया है। पहली चीज़ ये है किस चीज़ के लिए यूज़ में आती है। आपके एक्ने हो जाते हैं, आपके पिंपल्स हो जाते हैं या आपके रेडनेस हो जाती है, आपके फेस पे ईचिंग होने लग जाती है या आपके डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए यूज़ में आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे फेस पे हो जाती है तो इन सब चीज़ों को ये रिड्यूस करता है। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये हमारे लिए किस चीज़ में यूज़ में आता है। आपको इस क्रीम का ऐसे यूज़ नहीं करना है कि आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने ट्यूब परचेज की और आप अपने फेस पे लगाने लग गए। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कि इस ट्यूब का यूज किस टाइम किया जाता है। तो गाइज, इस ट्यूब का यूज़ हमें नाइट में करना चाहिए और बहुत ही केयरफुली। आप नाइट में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में इस ट्यूब को लेना है अपने हैंड में, और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आपके फेस पे जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे रब कर सकते हैं धीरे धीरे हल्के हाथों से। ऐसा नहीं है कि आपको, आपने बहुत सारी ट्यूब निकाल ली अपने हाथ में और पूरे फेस पे लगा रहे हैं उसे, ऐसा नहीं करना है। रब करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक उसे रब कीजिए और रब करने के बाद आप उसे नाइट में लगा के सो जाइए। मॉर्निंग में इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता, आप नाइट में लगा के इसे सोएंगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। एक चीज़ और गाइस, इसे हमें सनरेज में लगा के नहीं जाना चाहिए। लाइक कहीं भी हीट वाली जगह पर हमें इसे लगा के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस ट्यूब को हीट वाली जगह में लगा के जाओगे तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाएंगे। जिस चीज़ का आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ को हटाने का काम कर रहे हो, वो चीज़ आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो आपको इस ट्यूब को सनरेज वाली जगह पे या फिर हीट वाली जगह पे लगा के नहीं जाना है। आपको इस ट्यूब को नाइट में लगा के सो जाना है। नाइट में लगा के आप सो जाएंगे, सुबह अपना फेस वॉश कर लेना है। सो गाइस, नाइट में लगाने से काफ़ी इफेक्टिव रहती है हमारे फेस पे और नाइट में लगाने से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। सो गाइस, हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की कि हमें इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स हमें इससे ये मिलते हैं कि हमारे फेस पे जो भी दाग धब्बे एक्ने पिंपल्स ये जो भी डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं तो वो सब इस ट्यूब से रिड्यूस हो जाते हैं। बट आप इसको सही तरीके से लगाएंगे तो ही, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप इसे नाइट में ही लगा के सोइए। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने फेस पे इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, हमें इसे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट इससे हमें यही हो सकते हैं कि आप इसे हीट वाली जगह पे या धूप में कहीं पे भी इस तरह के इसे लगा के ना जाए।
आप धूप वाली जगह पे, अगर आप हीट वाली जगह पे इसे लगा के जाएंगे तो आपके फेस पे रिएक्ट कर सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके फेस पे। जैसे आप मॉर्निंग टाइम में हीट वाली जगह पे सनरेज में लगा के जाएंगे तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस भी हो सकती है। गाइस इसका एक साइड इफेक्ट और है कि आप इसे ज्यादा यूज ना करें, जब तक आपकी प्रॉब्लम है आप तब तक इसका यूज करिए, और आपकी जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आप इसका यूज करना बंद कर दीजिए। अगर आप इसका ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो आपकी स्किन की लेयर को बहुत ज्यादा थिन बनाता है, यानी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिन होने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज कि ये ट्यूब गोरा करने के लिए होती है या नहीं। सो गाइज ये ट्यूब गोरा करने के लिए नहीं होती, ऐसी ट्यूब्स गोरा करने के लिए नहीं होती, आपकी स्किन को गोरा नहीं करती। हाँ आप इसे शुरू में स्टार्टिंग में जब लगाना स्टार्ट करते हैं तब ये आपकी स्किन को थोड़ा फेयर करती है, बट आगे जाके जब आप इसे बंद करते हैं तब ये आपकी स्किन को फेयर नहीं करती, इससे आपका फेस वैसे ही होने लग जाएगा। गाइस हम एक चीज़ की बात और कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन तो इसमें 2.0% मिक्स्ड होता है, ट्रेटिनोइन इसमें 0.025% मिक्स्ड होता है, और मोमेटासोन फ्यूरेट इसमें 0.1% मिक्स्ड होता है। आप लोग बताना किस ट्यूब की वीडियो कैसी लगी, जो आपको मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, आपको समझाया वो चीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।